फ्रेंड्स एमएम गुड फार्म का पार्ट 7 स्टार्ट है जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्ट 7 है, पार्ट 7 बच्चों का है, नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है, खाली दिखाना है, दिखाना है, ठीक है। जो स्टार्ट करते हैं अपन बकरा फार्म में वो स्टार्ट दिखाना है एमएम गुड फार्म का, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख ले, आ जाओ। यहाँ भी वाड़े 6 है मुबारक भाई। अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके वाड़े दिखाता हूँ। तो ये एज के आप बच्चे लेकर आते हो? ये एज के, फिर इन्हें आप ये क्या भी 45 डेज के बच्चे हो गए अपने पास। अच्छा इनको मतलब वैक्सीन दे दिया है सब कुछ। अच्छा पर यहाँ पे 3 महीना मतलब सेट हो गए, 3-4 महीना चढ़ेगा, उसके बाद वहाँ ट्रांसफर एमएम फार्म पे होगा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, तरतीब अच्छी है आप लोगों की। बेशक बेशक, और राजस्थान में भी मतलब अपन बच्चे रखते हैं, एक महीना डेढ़ महीना उधर भी सेट करके लेके आते। ऐसा है, एक महीना उधर सेट होते हैं फिर यहाँ पे बच्चे आते। ओके ओके, क्योंकि आज की तारीख में डायरेक्ट जो बच्चे आ रहे हैं जिसके भी वाड़े में उसकी मोर्टेलिटी बढ़ रही है। सही बात, और वो कारण 50% कारण वही रहता है कि बच्चा डायरेक्ट मार्केट से डायरेक्ट फार्म पे आ रहा है। सही बात है, और सेट होके आता है उसमें मतलब बहुत बेनिफिट दिख रही है। सही बात, बच्चा सेट करके लाने में बहुत फर्क है। आइए, ये मुबारक भाई अपने हर वाड़े के अंदर मतलब 65-70 बच्चे अवेलेबल है, और सेम साइज वाड़ा है वही फार्म का, जो 30x30 जो बताया था आपने, ये किडिंग वाला 30x30, हाँ 30x30 30x25 अंदर वाला शेड वाला, हाँ हर वाड़े में 60 वही जानवर है 65-70। ओके ये देखिए, ऐसा ताज़ा पानी भरा जाता है, देख ले फ्रेंड सारे के सारे, ठीक है। ये पानी देख ले ताज़ा, ये छठा वाड़ा है आपका, ये छठा वाला, ठीक है। बच्चे देख ले सारे के सारे, माशाल्लाह जुगाली करते हैं वे। इसमें एक चीज़ दिखा दे आगे, क्या बताइए वो भाई, कुछ दिखाना चाहते, दिखाइए दिखाइए, क्या दिखाना चाहते हो बताए। अच्छा मरीनो 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 मरीनो, अच्छा ये मरीनो है ये। तो भजन जगह तो काफ़ी बड़ी है ये भी भाई, है ना, इंशाल्लाह आगे बहुत बड़ी जगह माशाल्लाह, सामने शेड आएगा इंशाल्लाह। मुबारक भाई सामने भी, इधर भी शेड बना, शेड आने वाला है, ऐसा है क्या। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे मुबारक भाई, एक साथ में मतलब पूरा काम नहीं कर रहे, धीरे 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 आज की तारीख में 50 बकरों से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 बकरे पे आ चुके अपन। माशाल्लाह 50 बकरों से स्टार्ट किया था, 3 साल 50 बकरे रखे थे, आज 15-16 साल हो चुका है मेरे को ये बकरा लाइन में। अच्छा 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 अच्छा, ये फीडिंग का है, ये फीड का है, ये फीड का है यहाँ। माशाल्लाह इसी में सारी चीज़ें होती है, इसी में सारी चीज़ें रहती है। देख लो फ्रेंड्स सारे के सारे आप, ठीक है। ये हरी पत्ती का हो गया, सामने दाने हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह। तो फरीद साहब यहाँ से आप शुरुआत करते हो और 90-100 किलो के आपने बकरे दिखा दिए, ये आप वहाँ तक लेके जाते हो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा फार्म का मतलब आपको मुदसर टूर करा दिया। मुबारक भाई बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, देख ले है ना, छोटे बच्चे लेकर पालकर और बड़े कर दिखा दिए। अपना कोई माल मतलब रेडीमेड माल यहाँ से खरीदी हुआ नहीं रहता है, अपना खुद का पला हुआ माल रहता है पूरा कंप्लीट, और फुल गारंटी देते हैं इसको ये किया है और ये किया है। सही बात है, वैक्सीन वगैरह ये एज में अभी देखो ना, ये अभी ये लेकर अब ये एज में सीधी बात है मुबारक भाई के अपना मतलब ये एज के अंदर आपको वैक्सीन करना जरूरी है। अब ये एज में वैक्सीन नहीं करोगे तो मोर्टेलिटी हमारी भी होगी, बकरा फार्म जो भी बकरा अपने से लेता है पहला तो नुकसान हमारा होगा, हम इसको नहीं करेंगे तो। सही बात है, वैक्सीन करना हमारे लिए भी जरूरी है। बेशक बेशक, बेशक। आज की तारीख में वायरल भी बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आ गए, जैसे जैसा क्रॉस ब्रीड होते गई वैसे वैसे वैसा वैसे वायरल बहुत बढ़ते चले गए। सही कह रहे हो आप, अब 10 साल के अंदर बहुत वायरल बढ़ गए। बिल्कुल 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 हरी साहब, तो माशाल्लाह यहाँ भी आप झाड़ वगैरह पहले से ही लगा दिया है, और आगे का भी प्लान है आगे का भी भाई, ये सब रेडी कर दिया है, प्लान का रेडी कर दिया है। तो फरीद साहब
पूरे आपके 7 एपिसोड तो ये हो गए, 7वां एपिसोड है ये, और एक एपिसोड आपका जो, और 7वां एपिसोड ऐसा है जो फर्स्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, जो असल में फर्स्ट है, फर्स्ट है असल, लेकिन हम लास्ट में दिखा रहे हैं ताकि देखे लोग, है ना। तो फरी साहब बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और ज़रा इनको बुलाओगे आ जाओ एक बार, क्योंकि अभी दी एंड आ रहा है, और हीरो जो होते ना फार्म के, वो मालिक तो बेचारा बहुत मेहनत करते ही है मालिक, क्योंकि उसके पैसे लगे हैं, सब कुछ लगे, मानते हो ना, फार्म के ये भी हीरो है। इधर आ जाओ ना यार दोस्त, बाजू में आ जाओ, ठीक है। तो ये भी एक हीरो है। तो फरीद साहब अभी क्या करें, आप एंड कर देते, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंडिंग की बारी, तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब रखा।